शुभ सकाळ आसंतु नजर पकाइबा राज्य तथा देश विदेश किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आपनको भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे लाइक करिबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिबे ता सह एही भिडियो को आपण माने केउ जिल्लारु देखुछन्ती कमेंट करी निश्चय जणाइबे। निर्वाचन पाखै आसुथिबा बेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक मास्टर स्ट्रोक खेळिछन्ती। किछि दिन धरी मधुबाबू पेंशन योजना रे हिताधिकारी को अधिक सहायता देबाकु विरोधी दल दाबी करथिले। एहा सह एहा उपरे विचार करबाकु ओडिसा हाईकोर्ट मध्ये सरकार को परामर्श देथिले। एसबु भितरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज एक बड़ घोषणा करिछन्ती। मुख्यमंत्री करथिबा घोषणा मुताबक एबे मधुबाबू पेंशन योजना रो सहायता राशि 500 टका वृद्धि करा जायछि। अर्थात मधुबाबू पेंशन योजना रे एबे हिताधिकारी सर्वनिम्न 1000 टका मासिक पाइबे। एहा सह फेब्रुआरी 20 रु 25 तारीख मध्य रे हिताधिकारी माने वर्धित पेंशन पाइबे। एने राज्य सरकार 3683 कोटी टका खर्च करिवे। पूर्वरु एही योजना रे हिताधिकारी माने यथाक्रमे 500 700 एवं 900 टका पाउथिले। वर्धित पेंशन अनुसार से माने यथाक्रमे 1000 1200 एवं 1400 टका पाइबे। एही वर्धित पेंशन पई राज्य सरकार वार्षिक 3683 कोटी टका खर्च करिवे। 20 तारीख रे मैट्रिक परीक्षा ता पूर्वरु एही वेबसाइट रे अपलोड करा जायछि समस्त तथ्य। चलित बर्षर मैट्रिक परीक्षा आसंता 20 तारीख ठारु आरंभ हेबो। एने मैट्रिक मध्यमा और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट रो समस्त तथ्य बोर्ड रो वेबसाइट www.bsoeodisha.ac.in रे अपलोड करा जायछि। एही वेबसाइट रे जेउ स्कूल को परीक्षा केन्द्र उत्तर खाता मूल्यायन केन्द्र और नोडल सेंटर करा जायछि बा परीक्षा केन्द्र रे केउ केउ स्कूल रो सेंटर पड़ी सेठार केते छात्र छात्री परीक्षा देबे केन्द्र पई केउ विषय रे केते प्रश्नपत्र आवश्यक रहिछि केन्द्र रे केते जन दिव्यांग छात्र छात्री परीक्षा देबे तार समस्त तथ्य अपलोड करा जायछि। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 एही वर्ष दुई थरो बोर्ड परीक्षा देबे दशम द्वादश श्रेणी रो छात्र छात्री। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रो दशम एवं द्वादश परीक्षा 15 फरवरी 2024 रु आरंभ हेउछि एवं एथिपई बोर्ड एडमिट कार्ड मध्ये जारी करिछि। तबे एही वर्ष थारु सीबीएसई बोर्ड रो छात्र छात्रंकु दुई थरो बोर्ड परीक्षा देबाकु सुजोग मिलिबो। निकटरे बोर्ड परीक्षा को नै शिक्षा मंत्रालय एक बड़ घोषणा करितला जे वर्तमान वर्षक दुई थर बोर्ड परीक्षा करा जिवो। नूतन शिक्षा नीति अनुजाई शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन हेतु यह करा जायछि। एही अनुजाई चलित वर्ष ठारु दशम एवं द्वादश सीबीएसई बोर्ड रो छात्र छात्री वर्षक दुई थर बोर्ड परीक्षा देबे। प्रथम थर नवंबर डिसेंबर 2024 रे एवं द्वितीय थर फेब्रुआरी मार्च रे परीक्षा करा जिवो बोली आशा करा जाउछि। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आज कहिछन्ती सीएए बा नागरिकता संशोधन आईन चलित बर्ष लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु कार्यकारी हेबो। शाह कहिछन्ती आम मुस्लिम भाई मानकु सीएए को विरोध करिबा पई मता जाउछि। तबे सीएए केवल नागरिकता प्रदान पई उद्दिष्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश रे अत्याचार सामना करी भारत आसीथिबा नागरिकंकु नागरिकता प्रदान करिबा पई एहा उद्दिष्ट। एहा कोनोसी भारतीयंक नागरिकता छोडाइबा पई उद्दिष्ट नहि। लोकसभा निर्वाचन संक्रांत रे टिप्पणी रखे केन्द्रमंत्री कहिछन्ती बीजेपी आसंता लोकसभा निर्वाचन रे 370 आसन पाइबो एवं एनडीए 400 रु अधिक आसन रे जीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व रे लगातार तृतीय थर पई सरकार गठन करिवो। चलित वर्ष विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई प्रस्तुत हलानी श्रीमंदिर प्रशासन। एने पुरी पहुंचिछि प्रथम पर्याय रथकाठ। दशपला महावीर मंदिर रे पूजाचना परे बाहरिथिला रथकाठ। तीनोटी ट्रक जगे श्रीमंदिर प्रशासन निकटे 102 खंड रथकाठ पहुंचिता से 50 खंड असन और 52 खंड धौरा काठ रही सूचना मिली। आगामी 14 तारीख में पवित्र श्रीपंचमी दिन रथकाठ पूजन हो रथ संहिता अनुजाई तीन रथ निर्माण लगी मोट 865 खंड काठर आवश्यकता रही बेले गत वर्षर 53 खंड काठ बलका रही। आवश्यक मोट 812 खंड काठ चिन्हट नहीं गत डिसेंबर 31 तारीख दिन श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर टीम जा चिन्हट करते अवशिष्ट काठ पर्यायक्रमे पहुंचिबो।